सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद हल्द्वानी में लोगों की अतिक्रमण की जमीन पर काबिल लोगों को राहत मिली। साथ ही हजारों लोगों की दुआओं के बीच में आए इस फैसले के बाद लोगों में खुशी है। बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। आज मैं खड़ी हूँ बनभूलपुरा के मस्जिद के बाहर, जहाँ पुरुष और महिलाएं, बूढ़े बच्चे सुबह से दुआ करने में लगे थे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आए ऐसी दुआ कर रहे थे। चलिए जान लेते हैं स्थानीय निवासी से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके पक्ष में आया है, स्टे बढ़ा दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। रातों की नींदें हराम हो गई थी हमारी, चैन सुकून कारोबार सब बंद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज का हम शुक्रगुजार हैं, दोनों गरीबों की सुनी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का दिन है आज। बहुत ज़्यादा जो मजलूम लोग थे उनकी मतलब बहुत मदद की अल्लाह ने आज, और ये सब अल्लाह ही की तरफ से है और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। जी बिल्कुल, दुआओं में वो असर है, वो ताकत है, बड़ी बड़ी आफत मुसीबतें टल जाती हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो हमें राहत जैसी आज मिली है, इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी, हमें मिलती रहेगी, क्योंकि नजायज गलत गलत होता है, जायज जायज होता है। ये लोग जितना नजायज दबा रहे हैं, ये लोगों पर मानसिक रूप से प्रेशर बनाया जा रहा है, एक एक बच्चे के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इसका बहुत गलत असर पड़ सकता है, ऐसा ना करें। मेरा सरकार से निवेदन है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं ये सब रातों रात नहीं बसे, पक्के सबूत हैं, ये मेहनत का पैसा लगा है यहाँ पे। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने फ्री में आके यहाँ पे कब्जा कर लिया हो। यहाँ स्कूल, मदरसे, मस्जिद, बैंक, सारे सरकारी काम है यहाँ पे। कौन सा काम ऐसा नहीं है जो यहाँ पे नहीं है, बताइए। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई काम ऐसा रुका हुआ है जो रेलवे की तरफ से अभी रोक दिया गया हो कि साहब रेलवे की पटरी बनेगी तब चालू होगा वो? ऐसा कोई सा काम नहीं है। जो काम ऑल इंडिया में हो रहा सब यहाँ पे हो रहा, सारे नेटवर्क है यहाँ पे, हर चीज़ की सुविधा दे रखी है, सरकार ने ही दे रखी है, तो लिहाजा सरकार तो किसी का गलत चाहेगी नहीं। विधानसभा के चुनाव हुए थे, मोदी यहाँ बड़े बल दल बल से आए थे, लोगों को उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए इन्होंने खिसिया के राज्य सरकार ने अभी कोई बयान नहीं दिया था। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के जजों को सलाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ और हमेशा जिंदगी भर तक लड़ते रहेंगे। ये जगह हमारी है, हमारे बाप की है, रेलवे का कोई अधिकार नहीं था ना रेलवे की जगह, हम शुक्रिया करते हैं आपका। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर अभी स्टे में दे दिया है, इनके पक्ष में, बनभूलपुरा वालों के पक्ष में दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। श्वेता कालाकोटी, जन टीवी, हल्द्वानी।